राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 13-14 सितंबर को शमीम अहमद बरेली नीम की मठिया बांधखाना स्थित कैंप कार्यालय निवास पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां की अध्यक्षता में राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के वाइस चेयरमैन शमीम अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित कर कहा कि पूर्व की तरह कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 13-14 सितंबर को राजीव गांधी जी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। हमारा मकसद स्व राजीव गांधी का भारत के विकास में योगदान एवं उनकी लोकप्रिय एवं जनप्रिय योजनाओं व कार्यक्रमों को तथा उनकी कुर्बानियों के बारे में युवाओं को जागृत करने हेतु ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में। और वो सारे शेर जिन्होंने वो बहुत ही सफल आयोजन हमारी मदद की, बहुत अच्छा कार्यक्रम जो बरेली में उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर का कार्यक्रम हमारा और थर्ड नंबर का। ये 13-14 सितंबर को पूर्व की भांति राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता इसलिए की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जब से देश की सत्ता में आई है लगातार गांधी परिवार की चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। लेकिन हम लोग उनको जागृत करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए राजीव गांधी की जो योजनाएं, जो कार्यक्रम हैं, राजीव गांधी का जो जीवन है, जो आतंकवाद से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई है, अपने प्राणों की आहुति दी है, जो इस देश के 18 साल के लोगों को मत का इस्तेमाल करने का मौका दिया है, जो नवोदय विद्यालय खोलकर फ्री शिक्षा देने का काम किया है, जो आपका पंचायत स्तर तक जो उन्होंने अधिकार लोगों को दिए हैं, वो सारी जानकारियाँ उसमें हैं। उस जानकारी के माध्यम से, उस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से उन युवाओं को जागृत करना चाहते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लगातार गुमराह करने का काम करती है, गांधी परिवार को बदनाम करने का काम करती है। जिस गांधी परिवार ने इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस देश के विकास के लिए, इस देश की तरक्की के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दी और एक नहीं कई कई लोगों ने दी है, उस परिवार पर कीचड़ उछालने का काम आरएसएस बीजेपी करती है। उसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को ये मालूम हो कि राजीव गांधी क्या थे या इंदिरा गांधी क्या थी। जी, मैं शमीम अलवी, नेशनल कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, इंचार्ज राजस्थान माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी। यह प्रतियोगिता 13 सितंबर और 14 सितंबर को 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगी, 7 बजे तक रहेगी। और इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे भाग लेंगे उनको आने वाले समय में लैपटॉप, मोबाइल और अच्छे अच्छे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जाएगा। कितने बच्चे से भाग लेंगे? इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग हर क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में भाग ले रहे हैं बच्चे। और हमारी कांग्रेस कमेटी जो हर ज़िले में एक्टिव है, वह काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है सबको एक्टिव करने में और काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स रहे। प्रतियोगिता ये इसलिए हो रही है कि इसमें जितना भी हो सके एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जा सके, एक ज्ञान की बात की जा सके। जैसे कि आपने देखा है कि अदर पार्टीज जैसे बीजेपी पार्टी है आजकल, वह जात को लेके, कास्ट को लेके, धर्म को लेके बातें रख रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर प्रियंका गांधी जी ने एक अच्छी सोच को चला करके कि हम ज्ञान को बढ़ाएं और एक ज्ञान प्रतियोगिता रखेंगे, तो जो अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं कम से कम बच्चों को कुछ ना कुछ करने को मौका मिलेगा। इसमें जो आयु तय की गई है वो 16 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष के आयु तक के बच्चों को भाग लेने का मौका मिलेगा इसके अंदर। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।